SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address SBN University, NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar, Madhya Pradesh. एमपी के पन्ना पुलिस ने एक बार फिर दरिया दिली दिखाते हुए मानवीयता की मिसाल पेश की है। जिले के धर्मपुर गांव में तूफान में एक गरीब परिवार के घर का छप्पर उड़ गया और पूरा सामान पानी पानी हो गया। इस परिवार में दो नाबालिग लड़कियां रहती थी। मकान का छप्पर उड़ा तो लोगों द्वारा धर्मपुर थाना प्रभारी सुधीर वेगी को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने आंधी में उड़ गए घर के आशियाने को बनवाया और 15 दिनों के लिए राशन की व्यवस्था की। दरअसल इन लड़कियों के माता पिता करीब 15 साल पहले बचपन में ही गुजर गए थे। इनका एक अकेला भाई है जो इन दिनों बाहर कहीं मजदूरी करने गया है। परिवार में कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। इस मुसीबत की घड़ी में पन्ना पुलिस के जावाज अधिकारी धर्मपुर थाना प्रभारी सुधीर बेगी द्वारा स्टाफ के साथ मानवता की मिसाल पेश करते हुए आसपास के लोगों की मदद से घर के उड़ गए छप्पर को लगवाने का काम किया गया। साथ ही 15 दिनों के राशन पानी की व्यवस्था भी की गई। हालांकि 15 दिनों के बाद इन नाबालिगों का क्या होगा, इसके लिए सरकार को सोचना होगा, क्योंकि अब इस गरीब परिवार की मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई गई है। फिलहाल थाना प्रभारी के इस नेक कार्य की सराहना चारों तरफ की जा रही है। सर, मेरा नाम पूनम पांडे है। आज क्या हो गया था बेटा? सर, वो बहुत तूफान आने के कारण ये 3 दिन सब उड़ गई थी और जा करके वहाँ दूर खेत में गई थी, तो हमने थाना प्रभारी सुधीर वेगी सर को इन्फॉर्मेशन दी, तो वो आए और आने के बाद उन्होंने ये सब काम करवाया और हमारा सब खाने का राशन वाशन भी सर सब खराब हो गया है। तो सुधीर वेगी सर जो हैं तो वो 15 दिन की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे और आगे की व्यवस्था करें। आज यहाँ ये जो तूफान आया, बहुत ज़्यादा तेज तूफान था, तो इनका सारा छप्पर उड़ गया। किन का छप्पर है ये? है पूनम पांडे हैं और इनके माता पिता नहीं हैं। अच्छा, तो इन लोग तो तुरंत इन लोगों ने, हमारे थाना प्रभारी हैं सुधीर वेगी जी, तो उनको फ़ोन किया और वो तुरंत आए यहाँ पे, और आने के बाद उनने सारा यहाँ पे व्यवस्था की, उनकी टीन वगैरह चढ़वाए और इसके बाद उनकी व्यवस्था की खाने पीने की। आज जो आंधी और तूफान आया है, जो बारिश हुई है, तो ये पूनम पांडे जो है उनकी बहन है, इनके माता पिता का सर्वनाश हो गया। तो देख रहे हैं आप, इनका पूरा मकान उड़ गया, इनका पूरा सामान खराब हो गया है। इनके द्वारा मुझे सूचित किया गया था, तो मैं अपने पुलिस बल के साथ यहाँ आया हुआ और मैंने तत्काल ही इनको पूरी व्यवस्था करने के लिए बोल दिया है और इनके मकान का काम मैंने चालू करवा दिया है। इनको खाने पीने की व्यवस्था के लिए मैंने इनसे बोल दिया, दुकानदार को बोल दिया कि इनको जितना सामान चाहिए होगा ये दुकानदार के पास जाके ले लेना, ठीक है ना? मैंने बोल दिया ना, 10-15 दिन का जितने भी तुम्हारे दिन की व्यवस्था होगी, हमने इनको बोल दिया ये सामान ले आएंगे, उसका पेमेंट मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। और हम लोग ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तत्काल खड़े हुए हैं और जब तक इनका पूरा रहने लायक नहीं हो जाएगा, जब तक हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं, ठीक है। पन्ना से दीपक शर्मा, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा, सागर। हमारा नंबर है 07582281000।